हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को जू भर के प्रणाम। दोस्तों, तो आज की शुरुआत करते हैं, और जिस दिन का हमें सब बेसब्री से इंतज़ार था आ गया आज वो दिन। तो दोस्तों, नहा धो के और थोड़ी बहुत किचन का काम और जो भी है, बच्चे स्कूल, जो भी थोड़ा किचन का काम था, थोड़ा नहीं, काम तो बहुत ही होता है दोस्तों, थोड़ा तो नहीं होता, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़े जो भी है सब हो के तो मैं हो गई हूँ रेडी। और ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है आज, 10:30 हो गई है और मेरी पूजा भी बाकी है। वो पूजा थोड़ी बहुत तो हो ही गई है सुबह की, और अब है मेरी तैयार होना है, और आपको दिखाऊँगी मैं इस ब्लॉग में नया क्या होने वाला है। बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो मैं अभी के लिए, अभी की साड़ी है मेरी, अभी अभी पहनने के लिए, दिन की पहनने के लिए है ये वाली साड़ी है, ये पहनूंगी मैं अभी। दोस्तों, मैं बेसब्री से कब से इंतज़ार कर रही थी कब साड़ी पहनने का मौका मिलेगा। ये ब्लाउज है और ये है पॉलिश, ये है पॉलिश, दिखेंगे रहा साहब, ये है पॉलिश के साथ। और इसके साथ की चूड़ियाँ भी दिखा देती हूँ। चूड़ियाँ तो मैं सेट ला रखी हूँ, बनाए तो नहीं मैंने। ये है चूड़ियाँ दोस्तों, पहनूंगी और रेडी हो जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको कैसी लगेगी, कैसी लगी। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं। पहनना तो है, पता, मुझे मेरी पसंद तो बहुत गंदी है, बस मुझे अपनी पसंद पसंद आती नहीं है। दूसरे तो, दूसरों की पसंद बहुत अच्छी लगती है मुझे, पता, अपने पसंद दूसरा पसंद करे तो बहुत अच्छा लगता है। और अब लोगों को मेरी पसंद अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता, मैं तो सोचती हूँ कि मेरी पसंद गंदी है। तो दोस्तों, आपने साड़ियाँ चूड़ी शॉपिंग तो आधी देख ली है, तो पूरा तो नहीं दिखाऊँगी, पूरा मैं जब रेडी हो जाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको। अभी थोड़ी अभी दिखा देती हूँ, ये वाली है, अभी वाली ये है, और शाम को वाली शाम को दिखाऊंगी। तो दोस्तों, मैं दिखा देती हूँ अपना पूजा वाला घर। ये दोस्तों, मैंने थोड़ी बहुत पूजा होगी है मेरी, क्योंकि मंदिर तो छोटा ही है मेरा, भगवान भी छोटा ही होगा मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, दिल बड़ा है मेरा, भगवान छोटा बड़ा जो कुछ भी हो, भगवान मुझे आशीर्वाद भरपूर देंगे। ये देखो, ये रखी हुई है मैंने, ये करवा है, और ये पानी है, वो नारियल है, ये देखो, ये बुक है मेरी करवा की, ये। तो दोस्तों, फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। देखिए, कुछ खास रेडी तो नहीं हुई हूँ, लेकिन कपड़े, साड़ी पहन रखी, बस साड़ी है कि नहीं है तो यही है कि साड़ी पहनती नहीं हूँ, बस मैं इनका तैयार रेडी होने का यही मकसद है कि मैं साड़ी पहनती, कभी पहनती नहीं हूँ। तो पूजा भी हो गई है मेरी, पूजा भी कर ली है मैंने। और देखिए, वैसे तो आज भूख से बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, भूख तो जो भी है, मैं तो प्यास में बगैर पानी के तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं सुबह उठ के जब तक पहले 2 गिलास गर्म पानी ना पीऊँ तो मैं बिस्तर से उठती भी नहीं हूँ। पहले उठ के सीधा पहले गर्म पानी पीती हूँ, तब जाके मुझे और काम तब स्टार्ट होता है मेरा। सुबह उठ के ब्रश करके और सीधा पहले पानी चाहिए मेरे को। तो दोस्तों, पानी के बगैर लग रहा है, आपको लग ही रहा होगा कि बॉडी ढीली है, नहीं वो आपको पता चल रहा होगा, मुझे तो नहीं पता। मैं तो भूखी तो रह सकती हूँ, लेकिन प्यासी नहीं रह सकती हूँ। मैं सब चीज़ में एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन प्यास में नहीं कर सकती। तो इसलिए दोस्तों, भगवान करे आप सबकी मनोकामना पूरी करे, और माता करवा आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगी, इसीलिए आपने इतने भूखे प्यासे कल शाम से खाया होगा। कल शाम से लगा लो, आज शाम पे खाएंगे, लगा लो 24 घंटे का व्रत है हमारा, 24 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि चाँद तो आज 9 बजे जाएगा। मैंने तो कब 7:30-8 बजे खा लिया था, क्योंकि मेहंदी लगवाने के लिए जाना था मुझे, इसलिए मैंने तो जल्दी खा लेता, जल्दी से जल्दी खाना बनाया और बर्तन साफ किए, फिर उसके बाद बच्चे को सुलाया, सीधा मेहंदी लगवाने के लिए चलेगी।
लगाना नहीं देता है ना, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा। मैं तो और ज़्यादा भूखी प्यासी हूँ, सभी हैं दोस्तों, ऐसे कोई बात नहीं है। तो बने रहेगा, दिखाऊंगी मैं शाम को आपको। अभी मैं कहीं जा रही हूँ, तो आपको शाम को रेडी होने के बाद। तो फाइनली मैं करवा की कथा पढ़ने के लिए, माता रानी की कथा पढ़ने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ किसी दीदी लोगों के घर, तो दिखाऊंगी वहाँ, अगर हो सके तो आपको कथा सुनाऊंगी, और आप ही कथा पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। दगड़ियों, तो हमने कथा तो पढ़ ली है, दीदी जी ने हमारी कथा पढ़ी है, और कथा तो पढ़ के होगी, हमने सूर्य को जल भी दे दिया है। और तो मैं तो हम तो कथा पढ़ के चाय पी लेते हैं, तो दीदी लोग के घर पे हम आज कथा पढ़ रहे थे, तो दीदी जी चाय बना रही है हमारे लिए। तो दोस्तों ये दीदी जी करूँ, या इसको देखो, तो दोस्तों फाइनली मेरा व्रत पूरा हो चुका है, और टाइम भी हो गया है 9:30। तो मैंने तो माता करवा को खुश कर दिया है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी अपने पति की, सब ने अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके माता रानी को खुश किया होगा, और ज़रूर वो आपको आपकी जो मनोकामना है पूरा करेगी माता रानी। तो दोस्त गुड नाइट, ओके बाय, शुभ रात्रि, मिलते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं, और स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और मेरे अगले ब्लॉग का इंतज़ार करना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।